प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत है डिजिटल लर्निंग में। तो हमने 9 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे, आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना क्वेश्चन नंबर 10। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट इज लेयर पैलेट। लेयर पैलेट क्या है? वी कैन यूज लेयर पैलेट टू क्रिएट मल्टीपल लेयर्स फॉर ईच ऑब्जेक्ट ऑन ए डॉक्यूमेंट टू परफॉर्म मल्टीपल टास्क। ठीक है, वी कैन यूज लेयर पैलेट, हम लेयर पैलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं टू क्रिएट मल्टीपल लेयर्स, बहुत सारी लेयर्स इकट्ठी क्रिएट करने के लिए, फॉर ईच ऑब्जेक्ट, हर एक ऑब्जेक्ट के लिए, ऑन योर डॉक्यूमेंट, एक डॉक्यूमेंट के ऊपर। ठीक है, हम लेयर पैलेट का यूज कर सकते हैं बहुत सारी लेयर्स को क्रिएट करने के लिए, हर एक ऑब्जेक्ट के लिए, एक डॉक्यूमेंट के ऊपर, टू परफॉर्म मल्टीपल टास्क, बहुत सारे काम करने के लिए। अब बहुत सारे काम क्या हो सकते हैं ये मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। ठीक है, we can hide, display, add, delete layers as required। हम hide भी कर सकते हैं, display भी कर सकते हैं, add भी कर सकते हैं और delete भी कर सकते हैं layers को, जब हमें जरूरत पड़ती है, as required, जैसे हमें जरूरत पड़ती है। we can open layer palette by clicking on window menu। अब layer palette को कैसे activate करना है वो हम करेंगे। we can open layer palette by clicking on windows menu। पेज मेकर में विंडो मेन्यू है, वहां पे क्लिक करेंगे, उसके अंदर हमारे पास रहेगा फिर शो लेयर पैलेट का ऑप्शन। ठीक है, शो लेयर्स, टू अटैच ईच ऑब्जेक्ट विद लेयर, फर्स्टली क्रिएट लेयर बाय क्लिकिंग ऑन राइट कॉर्नर बॉक्स एंड देन पिक ऑब्जेक्ट एंड ड्रॉ ऑन द पेज। बोल रहे हैं कि टू अटैच ईच ऑब्जेक्ट विद लेयर, अगर हमने हर एक ऑब्जेक्ट के लिए लेयर, यानी कि हर एक ऑब्जेक्ट को लेयर के साथ अटैच करना है, देन फर्स्टली क्रिएट लेयर, तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, लेयर क्रिएट करना पड़ेगी बाय क्लिकिंग ऑन राइट कॉर्नर बॉक्स। वहां पे एक राइट कॉर्नर बॉक्स होगा लेयर बॉक्स के अंदर, उस पे क्लिक करेंगे एंड देन पिक ऑब्जेक्ट, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट को पिक करेंगे एंड ड्रॉ ऑन द पेज, उसके बाद ऑब्जेक्ट को पेज के ऊपर ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, पहले हमें लेयर क्रिएट करना पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करेंगे तो वो उसी लेयर के ऊपर ड्रॉ होगा। ठीक है, अब इसको हम देखते हैं प्रैक्टिकली। ओके, हियर वी गो। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, एक न्यू पेज क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, लेटर है और जो भी साइजेस हैं, जो भी इसकी डिफॉल्ट सेटिंग है, वो ही रहने देते हैं। देन क्लिक ऑन ओके। ठीक है, अब यहाँ पे तो देखो, स्टाइल पैलेट, कलर पैलेट यहाँ पे डिस्प्लेड है, पिक्चर पैलेट डिस्प्लेड है। ठीक है, टूल बॉक्स आ रहा है। अब यहाँ पे लेयर पैलेट भी डिस्प्लेड है, अगर मान लो यहाँ पे डिस्प्ले नहीं होती है, ये बंद होती है, तो कहने का मतलब है कि हम इसको एक्टिवेट कर सकते हैं विंडो मेन्यू से। ठीक है, शो लेयर्स। ठीक है, ये आ गई हमारी लेयर पैलेट। अब ये जो पेज आ रहा है ये तो फिलहाल डिफॉल्ट में ही है। ठीक है, डिफॉल्ट लेयर है हमारी, इसके ऊपर मान लो ये है लेयर, यहाँ पे मैं कोई ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर रहा हूँ, जैसे मान लो ये ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है, मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ ऑब्जेक्ट का। ठीक है, यानी कि एक लेयर के ऊपर ये आ गया। अब जो अगला ऑब्जेक्ट मैंने ड्रॉ करना है, उसके लिए मैं क्या करूंगा, पहले एक और लेयर क्रिएट करूंगा, ये है वो बॉक्स के अंदर, ये कॉर्नर पे जो भी बटन बना हो उस पर क्लिक करूंगा। ठीक है, उसके बाद न्यू लेयर, और लेयर का नाम हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, लेयर टू रहने दो या फिर नाम रख लो। ठीक है, लेयर जो है रेड रखनी है, रेड। ठीक है, ओके। ठीक है, ये सेकेंड लेयर क्रिएट हो गई। ठीक है, अब देखो ये जो ऑब्जेक्ट ड्रॉ किया था ये था डिफॉल्ट लेयर के अंदर। ठीक है, अब जो सेकंड लेयर है इसके ऊपर हम कर रहे हैं नेक्स्ट ऑब्जेक्ट को ड्रॉ। ठीक है, एक और मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया एक और ऑब्जेक्ट इसके ऊपर। ठीक है, इसका कलर कर देता हूँ मैं, ये रेड ही रख देते हैं इसका कलर। ठीक है, ओके। अब देखो इनका जो कंट्रोल है ऑब्जेक्ट्स का, ये सारा का सारा आ जाएगा अब लेयर के ऊपर। अब जो लेयर हमें चाहिए हम वही डिस्प्ले करेंगे। ठीक है, और दूसरी के ऊपर फिर जो काम करना होगा वो काम कर लेंगे। ये देखो यहाँ पे हमारे पास लेयर में ये आई बटन रहेगा, इसको हाइड करने के लिए और डिस्प्ले करने के लिए। ठीक है, जैसे क्लिक करेंगे ये डिस्प्ले हो जाएगा, मान लो ये लेयर नहीं चाहिए। ठीक है,
इस लेयर के ऊपर ही काम करना है, और इसी के बाद में हमने प्रिंट आउट लेना है तो इसके ऊपर काम कर लेंगे हम, और इसके अंदर हमने फिर एडिटिंग करना शुरू कर देंगे। ठीक है, ये लेयर सिलेक्ट है तो ये लेयर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, फिर यहाँ पे मैं फिर एडिटिंग करने का काम कर दिया। ठीक है, अब जिस लेयर के ऊपर ये काम हुआ, ये जो सिलेक्ट है इसके ऊपर ये काम हुआ, अगर मैं इसको हाइड करता हूँ तो ये इसके ऊपर जो मैंने काम किया वो सारा का सारा काम हाइड हो जाएगा। ठीक है, यानी कि एक ही पेज के ऊपर हम रहकर बहुत सारे काम इकट्ठे कर सकते हैं बाई यूजिंग द लेयर। ठीक है, लेयर्स क्रिएट करते चलो और कंट्रोल जो है उसका अलग होता जाएगा, और उसके ऊपर और ऑब्जेक्ट से काम कर लो। ठीक है, तो ये हमारी लेयर पैलेट। अब चलते हैं, व्हाट इज मास्टर पेज पैलेट। मास्टर पेज पैलेट क्या है? मास्टर पेज के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि मास्टर पेज का काम होता है, जैसे मान लो हमने हेडर और फुटर रखने हैं, मतलब एक पेज के ऊपर हेडर और फुटर को फिक्स कर दिया और बाकी पेजेस के लिए वो सेम वही चीज रह जाएगी, बाकियों के ऊपर वो ऑटोमेटिक ही अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन में ये बताया हुआ कि मास्टर पेज पैलेट क्या है और इसको में क्या कैसे इसको एक्टिवेट करते हैं, ठीक है, कहाँ पे होता है और कैसे हम मास्टर पेजेस क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अब मास्टर पेज पैलेट इज यूज टू क्रिएट अ न्यू मास्टर पेज। अब मास्टर पेज पैलेट जो है उसका यूज किया जाता है एक नया मास्टर पेज क्रिएट करने के लिए विद वन और टू पेजेस, चाहे एक पेज के साथ मास्टर पेज क्रिएट कर लो चाहे दो पेजेस के साथ क्रिएट कर लो, बाय क्लिकिंग एट द राइट बॉटम बॉक्स। और बाय क्लिकिंग द राइट बॉटम बॉक्स, राइट में एक बॉक्स दिया हुआ छोटा सा, वहां से हम इसको क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, वी कैन ऑल्सो चूज द क्रिएटेड मास्टर पेज विद द राइट बॉटम बॉक्स ऑप्शन। वी कैन ऑल्सो चूज द क्रिएटेड मास्टर पेज, हम जो मास्टर पेज है फिर उसको चूज कर सकते हैं विद द राइट बॉटम बॉक्स ऑप्शन। राइट बॉटम बॉक्स ऑप्शन जो वो कैसे है उसको सिलेक्ट करना है क्रिएट करने के बाद ही मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। ठीक है, ठीक है, अभी हमारे पास जो है मास्टर पेज यहाँ पे ये है एल आर। ठीक है, डिफॉल्ट। अब देखो ये जो लेयर पैलेट है ना, इसके साथ ही हमारा हमारा जो मास्टर पेज पैलेट जो है वो उसके साथ अटैच रहेगा। ठीक है, ये दोनों इकट्ठे हैं, ये देखो एल आर मतलब लेफ्ट और राइट पेज। ठीक है, मास्टर पेज जो है वो लेफ्ट राइट मतलब दो हैं ये इकट्ठे, ये डॉक्यूमेंट मास्टर है, ये है डॉक्यूमेंट मास्टर, ये है वो जो कॉर्नर में बॉक्स दिया और राइट क्लिक करके हम इनके बीच में स्विचिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पे भी क्रिएट करने के लिए सेम वैसे ही है, राइट में यहाँ पे एक बटन बना हुआ है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। ठीक है, और यहाँ से हम न्यू मास्टर पेज क्रिएट कर लेंगे, मास्टर पेज का नाम जैसे मान लो मैंने यहाँ पे रख दिया अपने नाम से ही सुनिए। अब टू पेजेस का क्रिएट करना है या वन पेज का क्रिएट करना है वो हमारी मर्जी है, जैसे मान लो वन पेज का करना है तो वन पेज कर दिया, टू पेज का करना है तो टू पेज का कर दिया। ठीक है, और ओके। ठीक है, अभी डॉक्यूमेंट मास्टर हो गया, ये हो गया सुनिए। ठीक है, अब इनको जब सिलेक्ट करना हो तो यहाँ से हमारे पास ऑप्शन रह जाती है इनकी सिलेक्शन के लिए, चाहे यहाँ से सिलेक्ट कर लो इसको चाहे यहाँ से सिलेक्ट कर लो, जिस मास्टर पेज के ऊपर काम करना है उसके ऊपर क्लिक करो और काम करना शुरू कर दो। जैसे डॉक्यूमेंट मास्टर पेज है तो ये है हमारे पास डॉक्यूमेंट मास्टर पेज, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डेट फॉर्मेट लिख देते हैं यहाँ पे, और उसका मैं साइज है मैं यहाँ पे साइज इसका रख लेता हूँ यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा, साइज है वो 14 काफी है, लिख लेते हैं यहाँ पे डेट 7/20/20। ठीक है, ये हेडर में हमने डेट रख दी, अब बार बार डेट लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मास्टर पेज के ऊपर जो हमने काम कर दिया वो बाकी पेजेस के लिए ऑटोमेटिक अप्लाइड रहेगा। ठीक है, अब जैसे ही हम यहाँ पे कोई एक और पेज क्रिएट करेंगे तो सेम वही चीज वहां पे भी अप्लाई हो जाएगी। पहले तो इसको हम प्रैक्टिकली देख ही लेते हैं, एक नया पेज और क्रिएट करते हैं, इंसर्ट पेज, इंसर्ट टू करना है, एक और करना है सिंगल करना है तो इंसर्ट किया, आफ्टर आफ्टर मतलब इसके बाद ही हो जाएगा ये। ठीक है, इंसर्ट। ठीक है, इसके अंदर पहले से ही ये डेट इसके ऊपर भी ऑटोमेटिक अप्लाई होगी। ठीक है, जैसे ये थी मास्टर पेज के ऊपर, यहाँ पे भी जाके सेम वही चेंजेस रहेगी। ठीक है, अब बात कर रहे थे मास्टर पेज की, तो यहाँ पे दो मास्टर पेज है हमारे पास, देखो डॉक्यूमेंट मास्टर है और ये है मेरे नाम से अलग से, ये देखो ये खाली है, इसके ऊपर जो वर्किंग करनी होगी वो अलग रहेगी। ठीक है, बाकी पेजेस के लिए भी इसके बाद जो मैं नया पेज क्रिएट करूँगा वो के लिए पेज की जो सेटिंग है वो अलग से रहेगी। ठीक है, तो इस तरह से हम मास्टर पेजेस जो है वो यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, एक और क्रिएट कर लिया। ठीक है, ओके,
ये भी यहाँ पे आ गया, और यहाँ से स्विचिंग करनी है पेजेस के बीच में, तो यहाँ से स्विचिंग कर लो, ठीक है, या यहाँ से स्विचिंग कर लो। तो ये था हमारा मास्टर पेज पैलेट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर। हाउ कैन वी सेट अ मेजरमेंट सिस्टम, हम मेजरमेंट सिस्टम को कैसे सेट कर सकते हैं। मेजरमेंट मतलब पैमाइश का जो सिस्टम है, पैमाइश की जो प्रणाली है उसको हम कैसे सेट करेंगे, यानी कि पैमाना जो उसको कैसे सेट करेंगे। फुट्टा जो होता है, जिसको हम फुट्टा बोल देते हैं, पैमाना जो होता है, क्या हमने उसको इंचज में रखना है, मिलीमीटर्स में रखना है, पिक्सल में रखना है, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे स्टेप्स दिए हुए हैं। द फॉलोइंग स्टेप्स आर यूज फॉर दैट सेटिंग ऑफ मेजरमेंट सिस्टम, ठीक है। फर्स्ट स्टेप है क्लिक ऑन फाइल, फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे, उसके प्रेफरेंसेज में जाएंगे, फिर जनरल ऑप्शन है वहाँ पे जाएंगे। नाउ वी कैन चेंज द रूलर मेजरमेंट फ्रॉम इंचज, डेसिमल टू मिलीमीटर्स एंड सो ऑन, ठीक है। यहाँ पे जाके हम पैमाने को बदल सकते हैं, जैसे अभी यहाँ पे ये है सेटिंग, फाइल में जाके, प्रेफरेंसेज में जाके, जनरल में जाके, यहाँ पे ये देखो मेजरमेंट इन जो है, ये जो टॉप साइड को है ये है मिलीमीटर्स में, और जो वर्टिकल है वो इंचज में है, ठीक है। वर्टिकल रूलर जो है यहाँ पे, यहाँ पे हम इसको चेंज कर सकते हैं कि इंचज डेसिमल में रखना है, और वर्टिकल रूलर जो है वो भी इंचज डेसिमल में रखना है, ओके, ठीक है। और ये सेम मिलीमीटर जो भी हमने डेसिमल इंचज में रखा वैसे चेंज हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ से हम अपना मेजरमेंट रूलर जो है, मेजरमेंट सिस्टम जो है वो चेंज कर सकते हैं। तो आज के लिए इतने काफी था, कल फिर नए कॉन्सेप्ट के साथ मिलते हैं। तब तक घर में रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय हिमाचल।